नहीं, बस एक नाम है, सिर्फ एक नाम है, जैसे कि ये एक नाम है सिर्फ। ठीक है सर। आप यहाँ पे ट्रस्टेड लिख लो, ट्रस्टेड यस को लिख लो अनट्रस्टेड, ठीक है। डीएमजेड बस क्या है कि हम एक सेपरेट जोन रखते हैं, एक सेपरेट जोन मुझे चाहिए, तो मुझे मैंने उसका नाम रखा डीएमजेड, डीमिलिटराइज जोन, ठीक है। आप कुछ भी रख लो। आप में से कितने लोगों का लैब चल रहा है, कितने लोगों का लैब नहीं चल रहा है? सर लैब सेटअप तो हो गया है मेरा। परफेक्ट, अरे वाह, कैस हाँ किस पे सर, हुआ? वो 16 पे सर। देखा, मैंने आपसे कहा था ना सॉफ्टवेयर के इश्यू हो सकते सर लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब मैं उसमें पीसी खोलता हूँ तो पीसी के अंदर क्रोम नहीं है, तो वहाँ पे क्रोम कैसे डाउनलोड हैं। करना नहीं है नहीं सर? आपने पॉल ऑल्टो डाल दिया उसमें, सर पोलो तो डाल लिया है। तो वैसे ही विंडोज 7 की इमेज मैंने आपको ड्राइव पे शेयर की हुई, ठीक है। उसी ड्राइव पे विंडोज 7 की एक इमेज है, क्लियर है मेरी बात? अतुल, अतुल आपको मेरी बात समझ में आई? अतुल क्लियर हुआ आपको मेरी बात? नहीं सर, आपकी आवाज उसी बीच पे में उसी कट पे गया है, उसी वो भी पे नहीं उसी सर। पे क्या है ना कि विंडोज 7 की एक इमेज जो है, जी सर, उसी पे उसी ड्राइव पे विंडोज 7 की एक इमेज है। जहाँ पे पोल होल्ड डाल रहे, आप बस उसे उसी उसी इमेज को उसमें अपलोड कर दो, ठीक है। नहीं तो सर उसे जहाँ पे पोल होल्ड डाला हुआ है वहीं पे डालना है ना, हाँ, जैसे आप, हाँ, जहाँ पे आपने पोल्ड अपलोड किया ना, जिस 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 डायरेक्टरी में पोल होल्ड डाला है उसी एग्जैक्टली डायरेक्टरी। एग्जैक्टली, हाँ परफेक्ट, ठीक है, वही कर, ओके सर, वही कर। ठीक सर। सर जब तक ये ऑन रहा, एक मेरा एक क्वेश्चन था सर, हाँ हाँ कोर्स से पूछिए। अलग है। एक कस्टमर है मेरे साथ, उसका प्रॉब्लम ये है कि दो डीएनएस सर्वर है, क्या है दो डीएनएस सर्वर है, डीएनए डीएनएस डीएनएस, डीएनएस सर्वर? हाँ। और मैं बता रहा पूरा सिनेरियो आपको, दोनों डीएनएस का सर्वर का आईपी जो है ना सेम यूज कर रहा है कस्टमर, ठीक है। ब्रांच से जो ट्रैफिक आ रही है ना, वो ट्रैफिक पहले डेटा सेंटर पे आती है, फायरवॉल पे हिट होती है, फायरवॉल से फिर वो डीएनएस सर्वर पे जा रहा है, और फिर उसी डीएनएस को जो है ना कुछ क्वेरी को फॉरवर्ड करना है दूसरे डीएनएस पे, जो कि उस डीएनएस का भी आईपी सेम है। तो इसका फायरवॉल पे हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, कुछ है इसका फायरवॉल से कोई कंसेप्ट? मतलब नहीं उसका, फायरवॉल हाँ, से कोई मतलब नहीं उसका। नहीं कस्टमर, एक्चुअली कस्टमर ये कह रहा है कि मैं फायरवॉल डीएनएस की आईपी चेंज नहीं कर सकता, दोनों के ऊपर सर्वर की आईपी चेंज नहीं कर सकता हूँ मैं। पहले वो एक ही डेटा सेंटर में चल रही थी सारी सर्विसेज, अभी उन्होंने डेटा सेंटर स्प्लिट कर दिया है, तो कुछ सर्विसेज जो है डेटा सेंटर 2 में है, कुछ सर्विसेज डेटा सेंटर 1 में है, बट दोनों के डीएनएस सर्वर सेम है, चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज 600 साइट्स है जहाँ पे डीएनएस क्लाइंट है। क्या करना है आपको, टास्क क्या परफॉर्म? अब वो कह रहा है कस्टमर की फायरवॉल पे इसका सोल्यूशन दो कि किस तरीके से करोगे, क्योंकि सेम डीएनएस सर्वर दूसरे डीएनएस को तभी भेजेगा जब डिफरेंट आईपी होगी, वो खुद की आईपी को तो फॉरवर्ड नहीं करेगा रिक्वेस्ट। एग्जैक्टली। तो इसका कुछ सोल्यूशन हम फायरवॉल पे दे सकते हैं क्या? नहीं पागल पे नहीं, नहीं हो सकता है। और कोई किसी की क्वेरीज है जब तक कॉल टू स्टार्ट हो रहा है? ये विंडो 10 से कौन कनेक्टेड है, मुझे अभी तक आंसर नहीं आया। सर मैं जसविंदर, जसविंदर, आपका नाम? सर एक्चुअली मैंने हार्ड डिस्क चेंज करी है ना, इसकी एसएसडी करवाई है। कोई बात नहीं, लास्ट क्लास मैंने यूटर्न नेट पढ़ लिया है क्या सर, क्योंकि मैंने अभी तक वीडियोस देखी नहीं है। यूटर्नल आपने नहीं पढ़ा है।
नहीं अभी तक हमने क्लास मतलब लास्ट एक ही क्लास मैंने मिस किया, ईद का दिन था यहाँ पे, तो वो उस दिन डिस्कस हुआ है क्या? नहीं अभी आपने स्टडी नहीं किया न्यूटन। अच्छा अभी तक कोई नहीं है, ये कर ले जो कर रहे हैं अभी। हाँ ये करेंगे सर। और वर्चुअल फायरवॉल पे वीसीएस वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं कर सकते ना सर? फिर से बोलिए। वर्चुअल फायरवॉल पे वीसीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं कर सकते यहाँ पे ना? कर सकते हैं, आपके पास लाइसेंस होगा तो क्यों नहीं कर सकते? वीएम के ऊपर भी कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मेरे पास ट्रायल लाइसेंस है मेरे फायरवॉल पे, उस पे कर सकते हैं क्या? यूज करिए, लेकिन वो ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। मैं ऑन करता हूँ अपना, फिर डेस्कटॉप शेयर करूंगा एंड ऑफ द क्लास में। सर एक इसमें जो आपने एक विंडो 7 की जो इमेजेस दे रखी हैं, सर इसके ऊपर पासवर्ड कोई लगा हुआ है क्या? नहीं नहीं इससे टेंटर पे सर वो पासवर्ड मारा, जैसे विंडो ओपन होती है ना विंडो 7। क्या कह रहे हैं, आपने अपलोड किया तो पासवर्ड मांग रहे हैं स्टार्ट करने के बाद? यस सर, यस सर। पासवर्ड नहीं होगा, अगर नहीं पासवर्ड है ही नहीं उस पर, पॉसिबल नहीं, आप एंटर करिए पासवर्ड नहीं है। ओके सर। और अगर अगर पासवर्ड की डिमांड करेगा तो 1 2 3 होगा बस, और कुछ नहीं। ओके सर। ऐसे वो पासवर्ड मांगेगा ही नहीं। ओके ओके। अतुल, जसविंदर, कृष्णकांत, खान, सुनील, उमेश, विवेकानंद, यस सर, यस सर, यस सर। ये टॉपिक है हमारा नेट पॉलिसी। नेट पॉलिसी में हम ग्रुप बनाना, नेट पॉलिसी 1 के नाम से। ओरिजिनल पैकेट मेरा क्या है, ट्रैफिक लैंड से निकल रही है, वैन की तरफ जा रही है, डेस्टिनेशन इंटरफेस एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन एनी सर्विसेज। ट्रांसलेटेड पैकेट के अंदर आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे मैंने डायनेमिक आईपीएन कोड सिलेक्ट किया, डायनेमिक आईपीएन, यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो। ऑप्शन क्या क्या आपके पास है, ट्रांसलेटेड एड्रेस एंड इंटरफेस एड्रेस। सो इंटरफेस एड्रेस का मतलब हुआ मेरे पास कोई अलग से कोई पब्लिक आईपी एड्रेस है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, एड, और यहां से मैं उस पब्लिक आईपी एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं उसे एक नाम दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट का नाम, इसका नाम है वैन हाइफन पब्लिक आईपी। आईपी एड्रेस है आपका 192.168.1.55। क्लिक ऑन ओके। आपने एक पब्लिक आईपी एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया और अटैच कर दिया, क्लिक ऑन। या आपको लगता है कि आपका जो इंटरफेस है, जो आउटपुट इंटरफेस है, इस पर जो भी आईपी एड्रेस चल रही है आप उससे ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया इंटरफेस एड्रेस, और जो भी इंटरफेस है आपने सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल हमारी टोपोलॉजी के हिसाब से 1/2 क्या है, वैन फेसिंग इंटरफेस, सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन। ये आपका नेट पॉलिसी। नेट पॉलिसी के रूल के अंदर क्या डिफाइन है, सबसे पहले आपने नेम डिसाइड किया था नेट पॉलिसी 1। ओरिजिनल पैकेट क्या है आपका, सोर्स जोन लैन वैन डेस्टिनेशन इंटरफेस सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस सर्विसेज, और ट्रांसलेटेड पैकेट में आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, डायनेमिक आईपीएन पोर्ट, और इंटरफेस कौन सा है 1/2। आप इसे कमिट कर लो इस कॉन्फ़िगरेशन, और ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको सीएलआई से वेरीफाई करनी है, सीएलआई पे कमांड क्या टाइप करते हो, शो रनिंग नेट पॉलिसी, शो रनिंग नेट पॉलिसी। भाई मुझे कोई पॉलिसी के लिए दिख रही है कि ऊपर जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो आपने कमिट नहीं किया, तो यहाँ मैंने शो रनिंग नेट पॉलिसी डाली हुई है। अब अगर कमिट हो गया तो मैं फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ, शो रनिंग नेट।
अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली मुझे दिख रही थी वही इन्फॉर्मेशन मुझे सीलाई पे दिख रही। पॉलिसी का नाम है नेट हाइफन पॉलिसी। ट्रैफिक लैन से निकल रही है, वैन की तरफ जा रही है। इंटरफेस वन स्लैश टू, डेस्टिनेशन कोई भी, सर्विसेज कोई भी, और जो आप यूज कर रहे हो वो यूज कर रहे हो क्या 192 या इथरनेट वन स्लैश टू यूज कर रहे हो। नाउ तो ये आपका नेट पॉलिसी, क्लियर है सबको। अब अगर नेट पॉलिसी मेरे पास अवेलेबल है तो अगर ये इनसाइड मशीन, ये जो इनसाइड मशीन है, अगर ये एक्सेस करने की कोशिश करे ट्रैफिक, क्या ये एक्सेस कर सकती है? क्योंकि ट्रांसलेशन आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अतुल, यशविंदर, कृष्णकांत, आन, सुनील, उमेश, विवेकानंद, यस सर, ट्रांसलेशन तो कॉन्फ़िगर है ना, ट्रांसलेशन तो कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। सॉरी, ट्रांसलेशन तो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है ना, बट सर सिक्योरिटी हमने अलाउ नहीं किया ना। गुड, सिक्योरिटी पॉलिसी हमने नहीं बनाया, राइट? यस, क्योंकि ये फायरवॉल है, फायरवॉल पे आपको ट्रैफिक अलाउ करने के लिए पॉलिसीज क्रिएट करना होगा। पालो ऑल्टो फायरवॉल पे आप बनाते हो सिक्योरिटी पॉलिसीज, चेक पॉइंट पे आप बोलते हो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज, सिस्को पे क्या बोलते हो उसको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL बोलते हो उसको, ठीक है। तो अभी हमने नेट पॉलिसी तो बना दिया, उसका काम सिर्फ ट्रांसलेशन का है, ट्रैफिक लेकिन अलाउ नहीं होगी। ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। देखो, अगर सिक्योरिटी पॉलिसी है और नेट पॉलिसी नहीं है तो भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, लेकिन नेट की रिक्वायरमेंट तब आती है जब आप ट्रांसलेशन चाहते हो प्राइवेट टू पब्लिक। अदरवाइज सिक्योरिटी पॉलिसी बना के आप अपने लैंड के अंदर, लैंड के लैंड से DMZ के साइड में ट्रैफिक भेजते हो, आप कोई ट्रांसलेशन नहीं करना आपको। बट आप जब प्राइवेट पब्लिक ट्रांसलेशन की बात करने लगते हो तो आपको सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ साथ नेट पॉलिसी भी कॉन्फ़िगर करनी होती है। यहाँ मैं इनसाइड मशीन पे आ रहा हूँ और इससे ट्रैफिक इनिशिएट करने की कोशिश कर, तो पहले आप यहाँ पे वेरीफाई करो जो आपका लैंड मशीन है इस पे वो आई पी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है जो आपकी लैंड के हिसाब से चेक। जैसे आपने डिसाइड क्या किया, आपने डिसाइड किया कि 200 का नेटवर्क चल रहा है, तो इस मशीन इनसाइड मशीन पे 200 का आईपी एड्रेस हम वेरीफाई करते हैं। आईपी कॉन्फिग 200.278 और 1.1, ये आपका लैंड मशीन। नाउ आपका जो फायरवॉल है, फायरवॉल इसे क्या आईपी एड्रेस मिली है एक बार देख लेते हैं। शो इंटरफेस ईथरनेट 1/2, अभी इसको आईपी एड्रेस मिली है वैन के साइड से, हमने DHCP सेलेक्ट किया था अगर सबको याद होगा तो, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है 192.168.43. ये हमें मिला, ठीक है, ये आपका आउटपुट इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ शो राउटिंग रूट्स, तो एक डिफॉल्ट राउटिंग भी क्रिएट हो गई है, कन्फिगर हो गई है अपने आप, क्योंकि जब आप इंटरफेस पे DHCP का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट राउट क्रिएट कर देता है पॉइंटिंग टू द गेट। तो यहाँ पे 43.1 भी पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ सोर्स कहाँ से पिंग कर रहा हूँ मैं 192.168.43.69 से मैं पिंग कर रहा हूँ इसको 8.8.8। तो यहाँ से मैं 8.8 यानी गूगल DNS सर्वर की तरफ बाहर की तरफ पिंग कर रहा हूँ। कहाँ से? इस पालो ऑल्टो फायरवॉल पे मैं पहले ये चेक कर रहा हूँ क्योंकि इसका इथरनेट 1/2 वैन के साइड में कनेक्टेड है हमारी स्टोरी के हिसाब से, और डिफॉल्ट राउटिंग भी कन्फिगर है। तो पहले मैं ये वेरीफाई कर रहा हूँ कि मेरे पालो ऑल्टो फायरवॉल पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो अभी मैंने वेरीफाई किया तो मैं देख रहा हूँ इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बट जो लैन मशीन है इनसाइड मशीन ये अगर पिंग करने की कोशिश कर रही है google.com, क्या पहले एक काम करो, आप अपने गेटवे को पिंग करो 200 200 200, गेटवे तक पहुंच रहे हो आप, फिर आप पिंग करो google.com, मैं इसको पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं google.com facebook.com एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ।
जब तक ये ब्राउजर स्टार्ट हो रहा है आप इसका डीएनएस क्या भाई इंफॉर्मेशन निकाल लो। डीएनएस की जो इंफॉर्मेशन है डीएनएस 192.168.1.1 है, तो मैं डीएनएस का डीएनएस चेंज कर लेता हूँ एक मिनट के। डीएनएस चेंज मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा बस इतना कहना है कि यहाँ पे वही आई पी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके लैंड के हिसाब से चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे आई पी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन एक तब तक मैं जरा फिजिकल मशीन पे चेक कर दूँ। इस इनसाइड मशीन पे वो प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके सिनेरियो के हिसाब से चाहिए। आपने यहाँ से बैठ के google.com के लिए ट्रैफिक इनिशिएट किया, या आपने यहाँ से बैठ के facebook.com के लिए ट्रैफिक इनिशिएट किया, या फॉर एग्जांपल आपने YouTube के लिए ट्रैफिक इनिशिएट किया, आप पिंग करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, रिप्लाई नहीं आ रही। व्हाई? बिकॉज ये एक फायरवॉल है और ट्रांसलेशन, आप ट्रांसलेशन के लिए आपने रूल कॉन्फ़िगर किया है, बट आपने ट्रैफिक अलाउ करने के लिए कोई रूल कॉन्फ़िगर नहीं। ट्रैफिक अलाउ के लिए हम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं, तो हम सिक्योरिटी पे जाते हैं ट्रैफिक और यहाँ से हम अपनी पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। बट आप ध्यान से देखो, दो प्री डिफाइंड रूल आपको मिलेंगे इस फायरवॉल में। फर्स्ट रूल का नाम है इंट्रा जोन डिफॉल्ट। इंट्रा जोन का मतलब होता है सेम जोन कम्युनिकेशन, सेम जोन मेंबर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फायरवॉल बॉक्स है और उस पर मल्टीपल इंटरफेसेस। अब ये दो इंटरफेस आपके आपने लैन जोन में डाल कर रखे, लैन जोन के अंदर, तो आपको इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना। ये इंटरफेस अलग सबनेट में है, ये अलग सबनेट में। ट्रैफिक अगर इधर से आ रही है, इधर जा रही है, राउटिंग वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है आपकी, लेकिन पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम्युनिकेशन होगा क्योंकि दोनों इंटरफेस सेम जोन के मेंबर। उसके लिए इस फायरवॉल पे एक रूल पहले से बना, उसका नाम है इंट्रा जोन डिफॉल्ट। उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या डाली गई है, सोर्स। आपको बोला गया है कि ट्रैफिक किसी भी जोन से आ रही हो, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, कोई भी यूजर, कोई भी एचआईपी प्रोफाइल, डेस्टिनेशन अगर सेम जोन में जा रहा है इंट्रा जोन, और डेस्टिनेशन वो किसी भी से कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सर्विसेज, एक्शन क्या है अलाउ, बाय डिफॉल्ट रूल बना हुआ है। अगर आप इस रूल पे क्लिक भी करते हो, अगर आप इस रूल पे क्लिक भी कर लो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्री डिफाइंड रूल रीड ओनली। इसका मतलब आप इस रूल पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, पहले से बना हुआ। एक रूल और नीचे बना हुआ है, उसका नाम है इंटर जोन डिफॉल्ट, यानी इंटर जोन कम्युनिकेशन, यानी डिफरेंट जोन कम्युनिकेशन के लिए आपके पास एक रूल बना हुआ है। उस रूल के हिसाब से क्या है कि अगर कोई भी सोर्स की बात करो, ट्रैफिक किसी भी सोर्स जोन से आ रहा है, कोई भी सोर्स एड्रेस है, कोई भी सोर्स यूजर है, एच आई पी प्रोफाइल है, कोई भी जोन है, डेस्टिनेशन कुछ भी एड्रेस है, कोई भी एप्लीकेशन को वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी सर्विस के लिए एक्शन क्या है, देना है। तो अभी जो आप यहाँ पे बैठ के इनसाइड मशीन पे बैठ के ये google.com को आप पिंग कर रहे हो, फेसबुक को आप एक्सेस कर रहे हो, ये सब जो आप कर रहे हो ना, ये आप ऑटोमेटिकली इस रूल को हिट कर रहे हो। आप देखो इधर लास्ट में आप आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, हिट काउंट। जितनी भी हिट आप कर रहे हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंक्रीज होती रहेगी। ओके नाउ अब यहाँ पे ये दो प्री डिफाइंड पॉलिसी,
इनपे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पे क्यों आए? ट्रैफिक अलाउ करने के लिए। ट्रैफिक अलाउ करने के लिए हमें पॉलिसी क्रिएट करनी है। तो हम चले पहली पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं। जसविंदर, अतुल, कृष्णकांत खान, सुनीत, उमेश, विवेकानंद, यस यस तो हम एक पहली देखो, ये था ये टैब किस लिए था? नेट पॉलिसी के ट्रांसलेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये टैब किस लिए है? सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए। नया रूल आपको बनाना है, आपको ऐड पे क्लिक कर, ऐड पे आपने क्लिक किया और फिर यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो क्या रूल। तो देखो सबसे पहले आपसे रूल का नेम मांग रहा है, तो मैंने कहा रूल वन। क्या बोला मैंने? रूल वन। और ये नीचे आपसे पूछ रहा है रूल टाइप, किस तरह का रूल आप बना रहे हो। मैंने कहा मैंने इंटर जोन कम्युनिकेशन का रूल बनाया, मैंने डिफाइन किया। अब आपसे मांग रहा है सोर्स, दो ऑप्शन, सोर्स जोन एंड सोर्स एड्रेस। तो मैंने बोला ट्रैफिक लैंड, सोर्स जोन क्या है? लैंड जोन। ट्रैफिक किधर से आ रही है? लैंड के साइड से। अब मान लो लैंड के साइड से आप किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के लिए रूल बना रहे हो, तो यहाँ पे आप उसको स्पेसिफाई करो। अभी तो एरिया सेलेक्टेड है ना, बट आपको लगता है कि नहीं, मैं जो बना रहा हूँ वो मैं एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस मेरे पास है उसके लिए बना रहा हूँ, या एक आईपी एड्रेस की रेंज है मेरे पास उसके लिए बना रहा हूँ। जैसे मैंने बोला मार्केटिंग हाइफन यूजर्स यूजर्स फाइव, मैंने यहाँ पे रेंज ऑब्जेक्ट ले लिया। मैंने बोला मैं बना रहा हूँ 200, 200, 200, 200, 200, 200, 65 to 200, 200, 200, 170। तो मैंने 5 to 6 आई पी एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। तो अभी जो पॉलिसी बना रहा हूँ उसमें मैं बता रहा हूँ कि लैन के साइड से सोर्स क्या है, ये मार्केटिंग हाइफन यूजर्स। नाउ या तो आप स्पेसिफाई कर लो, अभी मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं एक सिंपल रूल बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन ट्रैफिक, मुझे एक सिंपल रूल बनाना है ट्रैफिक से अलाउ करके। उसके बाद हम मल्टीपल रूल बनाएंगे जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ बहुत सारे एड्रेस हम स्पेसिफाई कर सकते, बट अभी मैं सोर्स क्या ले रहा हूँ ये नहीं। फिर आपका टैब है क्या? यूजर। अगर आप लैन के साइड से लैन के ट्रैफिक लैन के साइड से आ रही है, कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस आपने बोला हुआ है, तो आप यूजर भी डिफाइन करो, यूजर कौन सा। तो अभी अभी तो मैं यूजर टैब के बारे में बात नहीं कर रहा, क्यों? बिकॉज हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आपको डे वन डिस्कशन किया होगा आपको याद होगा, तो हमें टॉपिक यहाँ डिस्कशन करनी है यूजर आईडी का कॉन्सेप्ट। तो जब हम यूजर आईडी डिस्कशन करेंगे ना, तो बात करेंगे इस टैब के बारे में, बट अभी राइट नाउ यहाँ पे एनी यूजर सेलेक्टेड, तो अभी मैं इस टैब के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। बट ये टैब हम कब डिस्कशन करेंगे? जब हम यूजर आईडी के बारे में बात करें। तो सोर्स जोन मैंने स्पेसिफाई किया है यहाँ पे, और डेस्टिनेशन जोन आप मुझे बताना है। तो ट्रैफिक किधर जाएगी? वैन की तरफ। और डेस्टिनेशन मैं ले रहा हूँ एनी, किसी भी डेस्टिनेशन पे जा ना। एप्लीकेशन अभी तो राइट नाउ एनी सेलेक्टेड है, बट अगर आप ऐड करो ना, तो जितने भी एप्लीकेशन सिग्नेचर्स आपके पास यहाँ पे हैं उनकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन के साथ कैसे काम करेंगे, इसके लिए आपके पास टॉपिक है ऐप आईडी का कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। तो हम बात कर लेंगे जब हम डिस्कशन करेंगे, बट अभी तो कह रहा हूँ क्या, कोई भी एप्लीकेशन सर्विस, कोई भी यूआरएल कैटेगरी, कोई भी एक्शन, एक्शन में बोल रहा हूँ अलाउ, यानी सारे पैरामीटर चेक करने के बाद मैं एक्शन बोल रहा हूँ अलाउ। आप क्लिक ओके कर दो, रूल आपका रेडी है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉग सेटिंग्स। लॉग सेटिंग के अंदर दो ऑप्शन, लॉग एट सेशन स्टार्ट, लॉग एट सेशन एंड। तो आपको आपको लगता है कि आपको लॉग्स तब चाहिए जब सेशन स्टार्ट हो, जैसे सेशन स्टार्ट हो जाए मुझे लॉग चाहिए तुरंत। अब जब और जब वो सेशन एंड करे तो मुझे एंड सेशन का भी लॉग चाहिए। तो आप दोनों पे चेकबॉक्स लगा लो, बट ये जो लॉग्स है ना, ये अभी जो आपने चेकबॉक्स लगाए, ये दोनों लॉग्स पालो ऑल्टो फायरवॉल के लोकल डेटाबेस के अंदर है, ठीक है। आपको लगता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिमोट लॉगिंग सर्वर रखा हुआ है, लाइक सिसलॉग सर्वर, एसएनएमपी सर्वर, या कोई भी
सिस्टॉक ऐप या रिमोट लॉगिंग का सर्वर आपके पास लगा हुआ, SNMP सर्वर लगा हुआ है जहाँ पे आप लॉग्स को भेजते हो, तो आपको लॉग फॉरवर्डिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, नन सेलेक्टेड है, मतलब अभी कहीं लॉग फॉरवर्डिंग आप नहीं कर रहे। मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया, मैंने क्या बोला, मुझे लॉग्स भेजने कहीं और, यहाँ पे मैंने लॉग फॉरवर्डिंग प्रोफाइल का एक नाम दे दिया, मैंने बोला लॉग प्रॉफ बर्नमन, कुछ भी नाम दे दिया, ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आप नेम डिसाइड करो और नीचे आपके पास ऑप्शन है लॉग टैग। सो किस तरह का लॉग्स आपको भेजना है, कहाँ भेजना है, अभी डिसाइड करेंगे, बट किस तरह का लॉग भेजना है, देखो आपके पास ऑथेंटिकेशन लॉग भेजना है, डेटा के लॉग्स भेजने हैं, सेट के लॉग भेजने हैं, ट्रैफिक लॉग भेजना है, टनल लॉग्स, URL लॉग्स, वाइल्ड फायर लॉग्स। मैंने कहा मुझे लॉग्स भेजने हैं सिसलॉग सर्वर वन में, बस एक नाम है, कुछ भी नाम ले सकते हो, और मुझे लॉग भेजना है सिर्फ ट्रैफिक लॉग। और ये फॉरवर्ड मैथड है, देखो आपके पास SNMP है, ईमेल है, सिसलॉग है, HTTP सर्वर है, कहाँ भेजना है। एग्जाम्पल ले रहे थे मुझे लॉग्स कहाँ भेजना है, सिसलॉग पे मैंने क्लिक किया, तो आपसे कह रहे हैं सर आप सिसलॉग सर्वर की प्रोफाइल बनाओ, क्यों, बिकॉज सिसलॉग सर्वर की इंफॉर्मेशन तो आपको फॉलो ऑल्टो की इस पॉलिसी के अंदर तो बतानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे सिसलॉग प्रोफाइल पे क्लिक कर लो, और सिसलॉग प्रोफाइल के अंदर क्या कर रहे हो आप, सिसलॉग सर्वर की इंफॉर्मेशन डालो। तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा SRV11, कुछ भी दे दीजिए नाम, और यहाँ पे ऐड करके नेम दे रहा हूँ क्या SRV111, और यहाँ आपको सिसलॉग 5 एड्रेस देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके नेटवर्क का जो सिसलॉग सर्वर है उसका IP एड्रेस है 199.199.10 तो ये आपके पास, तो आप कह रहे हो लॉग्स को भेजना है आपको सिसलॉग। अतुल क्लियर है आपको, यशविंदर, विवेकानंद, उमेश, खान, यहाँ पे क्या है स्केड्यूल, इसमें कोई क्वेश्चन है, फाइल क्रिएट किया है, ये लॉग प्रोफाइल किसी और रूट्स के लिए यूज कर सकते हैं, क्या कह रहे हैं खाना, ये जो हमने प्रोफाइल अभी क्रिएट किया है ये सेम प्रोफाइल दूसरा सिक्योरिटी जो हम पॉलिसी बना रहे हैं तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं ना इसको। हाँ खान, आप प्रोफाइल बनाइए, जितनी भी पॉलिसी में आपको अटैच करना है आप अटैच करो, नो प्रॉब्लम, ओके, नॉट, थैंक यू। नाउ अब यहाँ पे क्या है स्केड्यूल, यानी ये रूल जो आपने पैरामीटर इसके अंदर डिफाइन किया है आपको ये रूल कब यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये रूल यूज करना चाहता हूँ मंडे टू थर्सडे मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 6 PM, तो मैंने यहाँ पे स्केड्यूल लगा दिया। स्केड्यूल के अंदर दो ऑप्शन है, डेली पे चले जाओ या वीकली चले जाओ। डेली का मतलब है स्टार्ट टाइम बता रहा हूँ कि इस टाइम पे स्टार्ट होगा, इस टाइम पे एंड होगा, इस टाइम पे, जैसे मैंने बोला कि एवरी डे रूल इस टाइम पे एक्टिव रहेगी और इस टाइम पे एंड हो जाएगी, फिर रूल आपकी इस टाइम पे एक्टिव होगी और फिर इस टाइम पे ये एंड हो जाएगी, ओके। या आप कोई और एग्जांपल ले सकते हो, दूसरा ऑप्शन ले सकते हो, कौन सा, वीकली के अंदर बस एक इन्फॉर्मेशन है कि आप डेज डिसाइड कर सकते कि मुझे, मैं चाहता हूँ ये रूल मंडे को ये रूल मॉर्निंग किसी भी टाइम, मॉर्निंग फॉर एग्जांपल ये टाइम लिया, एग्जांपल बस ले रहा हूँ मैं, आप कुछ भी नाम डिसाइड करो, फॉर एग्जांपल टाइम वन, सो आप स्केड्यूल बना सकते। अभी तो मैं नन सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं रूल कभी भी अलाउ करना चाहता हूँ। नाउ क्लिक ऑन ओके, और ये आपका रूल है फर्स्ट जो आप बना, और ये रूल कहाँ गया आपका, टॉप पे दिख रहा है आपको, टॉप पे ये रूल है। कमिट कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमने किया उसे कमिट कर, कमिट, तो आप रूल पे एक बार रिव्यू कर, जो आपने रूल बनाया है
उसके अंदर आपने बोला है क्या ट्रैफिक लैन से आएगी, वैन की तरफ जा रही होगी, एनी सोर्स, एनी डेस्टिनेशन, एनी एप्लीकेशन, एनी सर्विसेज, यूआरएल कैटेगरी, एक्शन क्या अलाउ। तो मैंने एक रूल बनाया जिसके अंदर मैंने एक्शन क्या बोला है अलाउ। तो ये इनसाइड मशीन है आपकी, इनसाइड मशीन। पहले कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीट कर लेते हैं। जैसे ही कमिट कॉन्फ़िगरेशन होगी मुझे रिप्लाई मिलने स्टार्ट, 99% पहुंच चुका है, रिप्लाई मिलने स्टार्ट होगी। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं, फॉर एग्जांपल अगर इस पेज को मैं रिफ्रेश करूं तो google.com में एक्सेस कर सकता हूं। क्लियर? जसविंदर, सुनील, उमेश, विवेकानंद, यस नाउ तो ट्रैफिक मेरी ट्रेवल कर रही है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी फॉल्स। अब हम एक काम करते हैं, हम मॉनिटर पे आते हैं और सेशन की इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। सेशन तो सेशन एस्टैब्लिश हुआ है, यहाँ पे सेशन ब्राउजर का एक क्या सेशन ब्राउजर के अंदर हमें सेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो भी सेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप पैकेट एक्सपेंड कर लो, फॉर एग्जाम्पल गूगल पिक्स, ये आप एक पैकेट पर एक्सपेंड किया, इसके अंदर स्टार्ट टाइम फ्रॉम जोन टू जोन सोर्स डेस्टिनेशन फ्रॉम टू प्रोटोकॉल एप्लीकेशन रूट इंग्रेस इंग्रेस। तो यहाँ पे एक पैकेट मैंने डिटेल में देखने की कोशिश की, तो मैंने देखा कुछ सेशन आईडी उस पैकेट का मिला हुआ है, मुझे ये दिख रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश की गई है, प्रोटोकॉल TCP सिक्योरिटी रूल किस रूल को उसने हिट किया है। आपको रूल का नेम याद होगा, रूल वन आपने बनाया, कह रहा है नेट को भी हिट किया है, सोर्स नेट को, ट्रू है, यानी सोर्स नेट आप यूज कर रहे हो, और कौन सा नेट का रूल है जिसको हिट हुआ है, आपको याद होगा आपने रूल बनाया है नेट हाइफन पॉलिसी पर। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ मिल रही है, फ्लो चार्ट दो आपके पास, फ्लो चार्ट वन एंड फ्लो चार्ट टू। फ्लो चार्ट है क्लाइंट टू सर्वर और ये है सर्वर टू क्लाइंट, यानी रिप्लाई पैकेट। तो ये आपकी 200-278 ये ट्रैफिक आपकी बाहर गई है। एक बार आप इनसाइड मशीन का आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लो, इस मशीन पे आप आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो 78, वो आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रही है। और जब ये बाहर जा रहा है तो इसे आईपी ये किससे कम्युनिकेशन कर रहा है 182 दिख रहा है आपको, और ये 16 ऐप कहाँ यूज कर रहे हो आप यूज कर रहे हो आउट गोइंग इंटरफेस। तो ट्रैफिक ये आपकी जा रही है बाहर से कम्युनिकेशन करने के लिए, और जैसे ही ट्रैफिक रिटर्न आ रही है तो ये जो 170 है ये रिप्लाई किसको कर रहा है, रिप्लाई किसको कर रहा है आपका 69, ये किसका पोर्ट, किसका आईपी एड्रेस है, आपके आउट गोइंग इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई क्वेश्चन है ना? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। एक पॉलिसी और क्रिएट करते हो, ठीक है, चलिए ऐड पे जाते हैं और एक नया रूल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला रूल टू इंटर जोन कम्युनिकेशन, सोर्स आपका क्या है लैन, बट दिस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला क्या न्यू हाइफन टीम वन, यहाँ पे मैंने रेंज ऑब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल 200-275-290, तो इतनी आईपी एड्रेस मैंने ली है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। नाउ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मैं बोल रहा हूँ कि वैन की साइट,
अभी एनी एप्लीकेशन एनी सर्विस यूआरएल कैटेगरी आप ले सकते हो। एक्शन क्या ले रहा हो? अलाउ। एक्शन अलाउ नहीं ले रहा हूँ, एक्शन में डिनाई ले रहा हूँ। लॉकेट सेशन स्टार्ट। तो मैंने एक नया रूल बनाया है जिसके अंदर मैंने बोला है कि न्यू टीम वन, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका जो आईपी एड्रेस है वो 75 to 90 है, यानी अगर ये आईपी एड्रेस बाहर जाने की कोशिश करेगी और किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही है अगर, तो एक्शन आपने बोला है डिनाई, अगर आपको क्लियर है राइट, एक्शन बोला है डिनाई। तो ये रूल मैंने क्रिएट किया है, और अब अगर मैं इनसाइट मशीन पे आऊँ और यहाँ पे आईपी कॉन्फिग में टाइप करूँ, तो यहाँ पे इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है? 78। सो अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ यहाँ से ping google.com, ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, तो क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ? विवेकानंद, सब लोग रुक जाइए एक मिनट के लिए, कोई आंसर नहीं देगा। विवेकानंद यस सर, क्या मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ? नहीं सर। ठीक है, नहीं नहीं कर सकते, सिक्योरिटी में अलाउ कर रखा है ना सर। आप हमने रूल बनाया है डिनाई का। हाँ सर, नहीं जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। अतुल, 70 वाली आईपी, 78 वाली आईपी हमारी इसी रेंज में आएगी तो सर नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, ठीक है। जसविंदर सर, नहीं जाएगी सर, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है। खान सर, ये जाएगी क्योंकि डिनाई के पॉलिसी सेकंड सीक्वेंस में, फर्स्ट सीक्वेंस में होता तो फिर वो नहीं जाता। ओके, सुमित सर, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगी। कृष्णकांत सर, जाएगा सर, जाएगा। उमेश उमेश देखिए, अब जैसे भी जैसे आप लोगों ने आंसर दिया, मैं एक बार हिट करके देख लेता हूँ। ट्रैफिक तो जा रही है, ट्रैफिक जा रही है, मैं आपको आईपी एड्रेस फिर से वेरीफाई करता हूँ, 78। तो मैं अगर पिंग कर रहा हूँ google.com, मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ facebook.com, ये देखिए ओपन भी हो रहा है। क्यों ओपन हो रहा है, अब उसके लिए हम समझते हैं। तो ये आपने फायरवॉल पे ढेर सारी पॉलिसीज बनाई। देखो, जब फायरवॉल पे हम पॉलिसीज बनाते हैं, कन्फ्यूजन देखो क्या है, क्लियर करो। जब आप फायरवॉल पे पॉलिसीज बनाते हो, जैसे आपको अगर एसी ले जाता होगा, सिस्को कहते हैं, मल्टीपल एसी रूल जब आप बनाते हो तो राउटर उस रूट को कैसे रीड करता है, लाइन बाई लाइन, और वो ऑलवेज स्टार्ट करता है टॉप रूट। आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपने अभी दो रूम बनाया, और यहाँ पे भी फायरवॉल क्या करेगा, जितने भी आप पॉलिसीज बनाए होना, अगर कोई ट्रैफिक फायरवॉल पे हिट कर दी तो उस ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो पॉलिसी के अंदर टॉप से सर्च करेगा, टॉप से, मेरी बात समझ में, टॉप से सर्च करेगा, और टॉप से जब वो देख रहा है तो उसे क्या मिल रहा है, उसे क्या मिल रहा है, उसे मिल रहा है, मिल रहा है क्या, एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करता है। चलो हम अभी सोर्स की बात कर रहे हैं, डेस्टिनेशन से तो हमारा एनी है, यहाँ पे क्या है एनी। तो जो आपका 78 आईपी एड्रेस है इस मशीन पे, वो एनी का पार्ट हो सकता है कि नहीं? Yes. राइट, सो वो क्या कर रहा है, वो ट्रैफिक जो आपने इनिशिएट किया है वो इस टॉप रूट को हिट कर रहा है, क्योंकि 78 आ गया एनी के अंदर और आपने क्या बोला है, अलाउ। तो ये ट्रैफिक आपकी अलाउ। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो पहले आप फिर से मैं रिवाइज कर, फायरवॉल पे कभी भी कोई ट्रैफिक हिट करेगी तो फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन अपने पॉलिसी के अंदर चेक करेगा, और वो उस इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन रीड करेगा। अब सर डिनाई के लिए हम रूल ऊपर कर देंगे। एग्जैक्टली, यस, उस रूल को हम ऊपर कर देंगे। अगर उस रूल को आपको यूज करना है तो
सुनित, तो आपको वो रूल टॉप पे रखा था, ACL के अंदर क्या करते थे आप? बिना स्टेटमेंट आप पहले देते, राइट? राइट। अगर आपने पहले रूल को ही बोल दिया एनी एनी, तो नीचे आप थाउजेंड बना लो डिनाई का, वो उसको टच नहीं करने वाला। ओके, तो अभी ये हुआ। अब पॉइंट एक और है, अभी जो मैंने नया रूल बनाया है वो जो चला गया बॉटम ऑफ द लाइन, यानी ये चीज क्लियर होनी चाहिए, जब भी हम नई पॉलिसीज बनाएंगे ना वो कहां चला जाएगा? बॉटम ऑफ द लाइन। ओके, नया रूल क्योंकि हमने बनाया नीचे चला गया। अब यहां पे एक मैसेज मुझे मिल रहा है, सब कुछ है कंप्लीट एंड सक्सेसफुली है, एक मैसेज मुझे वार्निंग मैसेज मिल रहा है, उससे कह रहा है कि सर ये शैडो रूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, बट मुझे एक वार्निंग दी जा रही है सर, ये जो आपने बनाया ना ये किसी और रूल का शैडो रूल है। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज न्यू टीम वन के अंदर जो आपने आईपीडीएस की रेंज दी है वो रेंज ऑलरेडी इसका पार्ट है, राइट? जसबिंदर, विवेकानंद, यस सर, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि सर अच्छा अभी तो शेडो रूल का वार्निंग तो हमारे छोटे से लैब में तो आएगा क्योंकि हम तो एनी एनी करके अपना काम करते हैं, बट रियल में तो आप एनी नहीं करते हो, रियल में आप बताते हो इस आईपी एड्रेस के लिए आप पॉलिसी बना, राइट? तो वहां पे अगर आप पॉलिसी बना रहे हो और शेडो रूल आ रही है तो ये क्लियर कर लो कि वो रूल किसी ने किसी वो जो आईपी एड्रेस है जो इन्फॉर्मेशन है किसी कहीं और भी कॉन्फ़िगर्ड है, कहीं और भी यूज हो रही है, इसलिए आपसे कह रहा था आप शैडो रूल क्यों यूज करो। नाउ अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे इस रूल को टॉप पे ले जाना है, टॉप पे देखो कितना अलग है, अगर इसमें से किसी ने भी मेरे 48 बैच में स्टडी किया होगा तो देखा होगा 48 में सीधे हम ड्रैग कर देते हैं, राइट? याद है सुनील आपने देखा है, कृष्णकांत आपने देखा हुआ है, राइट? तो आप सीधे ड्रैग कर देते हो, देखो कितना अलग है पॉलो वर्ल्ड, पॉलो वर्ल्ड में आप मूव कर सकते हो, ये 48 में नहीं है। कृष्णकांत सुनील वहां सिर्फ ड्रैग का ऑप्शन आता, याद है? रूल को डिसेबल नहीं कर सकते, यहाँ डिसेबल कर सकते, तो पॉलो वर्ल्ड में फीचर्स अच्छे हैं, ठीक है ना? ऑप्शन देखो, अब आप देखो यहाँ पे, अब इस रूल को मुझे टॉप पे यूज करना है तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, जैसे 48 में आप ड्रैग करते थे तो मैंने इस रूल को ऊपर ड्रैग कर, आपने कीज के ऊपर ड्रैग किया, अब देखो रूल टू क्या लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है? अब वो टॉप पे है, अगर वो रूल टॉप पे है और मैंने कमिट किया, अगर वो टॉप पे है और मैंने कमिट किया और ये इनसाइड मशीन से मैंने ट्रैफिक इनिशिएट करने की कोशिश की, इस पे आप यूज कर रहे हो 78 आईपी एड्रेस, जैसे ही मैंने कॉन्फ़िगरेशन कमिट किया है, अब अगर मैं यहाँ आ रहा हूं और अगर मैं अब पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ google.com, सो अब ये पिंग नहीं करेगा, राइट? बिकॉज क्यों? क्योंकि ये सीधे किसको हिट कर रहा है गाइस? टॉप रूल, राइट? एवरीवन, अतुल यस सर, विवेकानंद अब क्लियर हुआ आपको? यस सर, यस सर। सो ये हिट कर रहा है और इस रूट के हिसाब से आप अब एक्सेस नहीं कर सकते, बट पॉइंट यहाँ पे ये है 75 to 90, अगर मैं इस मशीन का आईपी एड्रेस चेंज कर दूँ तो, फॉर एग्जांपल अब आप मेरी हेल्प करोगे, ठीक है? मैंने इस मशीन का आईपी एड्रेस रख दिया 100, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन। तो अगर मैं आईपी आपको फिर से शो करूं तो यहां पे 100 है, ठीक है?
अब अगर मैं यहाँ पे पिंग करूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? यस ओके ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ तो ये कौन से रूल को हिट करेगा? सेकंड रूल को। सेकंड रूल को परफेक्ट। सीक्वेंस के सेकंड अगर मैं यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई आ रही है, ये जाके सेकंड रूल को क्यों हिट कर रहा है? एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये पहले टॉप रूल को हिट कर रहा है कृष्ण का, ठीक है? यस सर। टॉप रूल में उसने क्या देखा कि ट्रैफिक 78 से 90 है, तो देखा जो जिससे ट्रैफिक आ रही है सोर्स से उसका आईपी एड्रेस 100 है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन टॉप रूल में है नहीं, तो अब उस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन को कहां चेक कर रहा है? सेकंड रूल। सेकंड रूल एग्जैक्टली सेकंड रूल के अंदर। तो अब आपको रिप्लाई भी आ रही है और अब आपको यूट्यूब एक्सेस करना है, तो YouTube भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है। क्लियर? यस सर। नाउ अब एक काम करो, एक नया रूल बना दे, मैं आपको एक और सिंटैक्स समझाने की कोशिश करूँ, एक नया रूल हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इसका नाम देते हैं क्या, रूल थ्री, ठीक है? रूल थ्री, रूल टाइप इंटर जोन कम्युनिकेशन। सर रूल टाइप में जो तीन टाइप है हमारे पास, हाँ, यूनिवर्सल हाँ. के अंदर जो है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये जो हम इंटर जोन लेते हैं, इंटर जोन में सेशन तो एस्टेब्लिश कर लेता है वो, तो रिटर्न ट्रैफिक भी क्लियर हो जाता है, बट यहाँ पे हम यूनिवर्सल का यूज कब करेंगे? यूनिवर्सल का मतलब है, पहले तो आप ये जो आपने पहले बोला है ना, उसको फिर से क्लियर करना, क्या बोला आपने? जब इंटर जोन हम पॉलिसी बना रहे हैं, जोन फॉर एग्जांपल लैंड जोन से जा रहा है वैन साइड पे, ठीक है, तो ये हमारा इंटर जोन हो गया, तो जो ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड में जो सेशन एस्टैब्लिश होता है, हाँ। तो उसके थ्रू आउटसाइड से इनसाइड ट्रैफिक आ जाता है क्योंकि सेम सेशन के अंदर है। एक मिनट, ये तो डिफॉल्ट में भी होता है। किसमें? डिफॉल्ट में भी यही होता है। डिफॉल्ट जो दो पॉलिसी बनी हुई है, डिफॉल्ट भी क्या बनी है? डिफॉल्ट नहीं, नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, पहले आप अजम्पशन करना बंद करिए। इंटर जोन का मतलब है कि डिफरेंट जोन कम्युनिकेशन। यस। ट्रैफिक आपकी लैन से जा रही है वैन की तरफ और जब उसका रिप्लाई पैकेट आ रहा है तो वो आपका ट्रैफिक आपका फार्मूला अलाउ करेगा, क्योंकि फार्मूला क्या, स्टेटफुल फार्मूला। यस। ट्रैफिक जब आपकी बाहर से आ रही हो, रिटर्न पैकेट यही काम आपका यूनिवर्सल में भी करेगा, बट यूनिवर्सल में क्या होता है, हम फायरवॉल के ऊपर छोड़ देते हैं कि तुम देख लेना ट्रैफिक के हिसाब से कि ये इंटर जोन है कि इंट्रा जोन है, ठीक है? यानी फायरवॉल पे हम थोड़ा सा लोड डाल दें कि तुम देख लेना यार, अब हम पता नहीं करने वाले, और अगर आपको लगता है, आपको खुद पता है एज एडमिनिस्ट्रेटर कि नहीं यार इंट्रा जोन कम्युनिकेशन है, क्यों दिमाग लगाना है, तो आप स्पेसिफाई कर देते, क्लियर है? क्लियर है। और दोनों सूरतों में क्या करेगा फायरवॉल, जब ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल बॉक्स जाती है तो फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल में मेंटेन करता है, जब रिटर्न ट्रैफिक आती है तो आपका फायरवॉल उसे लॉक करता है। ओके क्लियर। सो नाउ एक और रूल मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, सोर्स जोन मैंने क्या लिया, लैन जोन, डेस्टिनेशन वैन जोन, मैं सिर्फ ये रूल ऐसे ही बना रहा हूं, सिर्फ आपको कुछ चीजें समझाने के लिए, यहाँ पे मैंने सोर्स एड्रेस ले लिया मार्केटिंग यूजर 5, डेस्टिनेशन वैन जोन, एनी एप्लीकेशन सर्विस वर्ल्ड कैटेगरी एक्शन, ये रूल मैंने आपको बस इसलिए बनाया है कि मैं आपको दिखा सकूं कि जब भी आप एक नया रूल बनाते हो फायरवॉल के अंदर तो वो रूल सीधे बॉटम ऑफ द लाइन, यानी जो आप नए रूल्स डिफॉल्ट रूल्स को आप छोड़ दो, जो प्री डिफाइंड रूल है उनको साइड, अभी जो आप जितने भी आप नए रूल बनाओगे ना वो सीधे बॉटम चले जा रही है आपके नए रूल्स के साथ। देखिए रूल 3 कहाँ चले गए, रूल 2 और रूल 1 के नीचे, आपको अगर ये रूल को ऊपर ले जाना है तो या तो ड्रैग कर लीजिए या यहाँ से आप मूव अप, मूव डाउन, मूव टॉप, मूव बॉटम, जैसे भी आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये रूल सीधे टॉप पे ले जाना है, सेलेक्ट किया ये रूल सीधे टॉप पे चले गए, दिख रहा होगा, रूल्स मुझे सीधे बॉटम पे लाना है, ये रूल आपकी सीधे बॉटम पे आ गई। आपको किसी रूल को डिसेबल करना है, आपने ये रूल सिलेक्ट किया डिसेबल कर सकते, ये ऑप्शन 48 में नहीं होता,
48 पे सीधे आप क्या कर दो, डिलीट ही मार सकते हो। ये कुछ फॉलो ऑल्टो आपको देता है अच्छी चीजें। तो ये आप डिसेबल इनेबल कर लो, आप डिलीट कर सकते हो किसी रूल को, आपको डिलीट करना है, यस किया, कमेंट कर दिया। आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किए हैं, आप उसे कमेंट कर सकते हो, वेट करो अब। क्लियर है इतना, पॉलिसीज पे काम करना क्लियर हुआ? यस सर। कृष्णकांत, अतुल, जसपिंदर, खान, सुनील, उमेश, ओके। अब हाँ सर, प्रैक्टिस करके देखेंगे। क्या चीज? प्रैक्टिस करके देखेंगे क्लास के बाद। फिर से बोलिए सर। रूल समझ में आ गया है, बट नीड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आप करेक्ट आपको हमेशा करते रहे। मैं अभी जो बताया वो क्लियर हुआ सिंटेक्स? यस सर। ना अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, हमने कुछ रूल्स बनाया और उसको कुछ आइडिया लेने की कोशिश। अब फिर से हम आते हैं पीछे नेट की तरफ। तो नेट में हमने क्या किया था, डायनेमिक आईपीएल कोड। बट आपको ऐसा लगता है कि रीसेंट मुझे डायनेमिक आईपीएल कोड नहीं करता, मुझे डायनेमिक नेट करना है, मेरे पास आईपीएल की पूल रेंज है, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे क्लिक करो डायनेमिक आईपीएल और जो भी आपने आईपीएल का पूल बनाया है वो यहाँ पे डिफाइन करो। तो पहले हम आईपीएल की पूल रेंज बना, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे आप चले जाओ। हम जो भी बना रहे हैं हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, देखो। तो आप यहाँ पे चले गए, आपने बोला पब्लिक रेंज, कुछ भी ना लिखो, अंडरस्कोर रेंज। आईपी एड्रेस क्या है आपका, 192.168.1.125.2 अच्छा यहाँ पे तो 43 का यूज कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हो, ठीक है, 1.1 हम कोई इनिशिएट नहीं करता, 1.43 आप ले लो, 43 हम यूज कर रहे हैं, तो 43 को यूज कर, 43.125 to 192.43.130। ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया पब्लिक रेंज। डायनेमिक आईपी आप करते हो ना, वो यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर लो आप, नो प्रॉब्लम। तो मैं ट्रांसलेशन टाइप के अंदर यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ डायनेमिक नेट का ऑप्शन, जैसे फॉलो ऑल्टो में आप करते हो डायनेमिक आईपी। तो यहाँ मैंने लिया पब्लिक रेंज, क्लिक ऑन, कमेंट। नाउ ट्रैफिक इनिशिएट कर सकते हैं, बट आई होप ये क्लियर हो गया होगा डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगरेशन। यस, सिर्फ आपको पूल रेंज बनानी है और उस ट्रांसलेशन टाइप के सामने आपको अटैच। सेम वैसे ही आप स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपको स्टोरी बताया, स्टैटिक नेट 1-to-1 मैपिंग, राइट? मैंने इसे कमिट किया और मैं ट्रैफिक पीछे इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई कुछ आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ मॉनिटर टैब पे और यहाँ पे लेटेस्ट सेशन देखो, पिंग सर एप्लीकेशन आपने एक्सेस किए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको जो आईपी एड्रेस मिली है वो उसी पूल रेंज से मिली है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, 125 to 130 याद है किसी को? यस सर। यस सर। आप पॉलिसी पे आ जाओ, आप फिर से नेट पे आप आ जाओ और आप यहाँ पे अब कॉन्फ़िगर कर रहे हो स्टैटिक नेट। पैकेट मेरा सेम है, सिर्फ मैं ट्रांसलेशन का तरीका चेंज कर रहा हूँ। स्टैटिक है, स्टैटिक आईपी का मतलब ही होता है कि आपको स्टैटिक नेट, तो आप सिंगल आईपी एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट बना लो। तो मेरे पास एक सिंगल आईपी एड्रेस है, इसका नाम है
new underscore public. IP address है मेरा 192.168.43.199/32 सिंगल आईपी, क्लिक ऑन ओके। और यहाँ पे एक टैब आ रहा है बाई डायरेक्शन, अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा, ट्रैफिक अगर इनसाइड से जा रही है आउटसाइड की तरफ डेफिनेटली वो ट्रांसलेट। देखो आप स्टैटिक नेट कर रहे हो, सिंपल सी बात है, ओरिजिनल पैकेट में मुझे एनी नहीं यूज करना चाहिए, राइट। सिंगल स्टैटिक नेट का मतलब क्या होता है, वन टू वन मैप। तो मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस को ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, यहाँ पे एड्रेस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और मेरा है क्या HR यूजर नंबर 5 और उसका आईपी एड्रेस है 200/200/278/32/32 क्यों, क्योंकि मैं सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना। ओके, बाई डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या, अगर ट्रैफिक लैन से इनिशिएट हो रही है और वैन की तरफ जा रही है, वैन की तरफ जा रही है तो ठीक है ट्रांसलेशन होगा, बट मैं चाहता हूँ बाई डायरेक्शन यानी बाहर से कोई अगर इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करे तो वो ट्रैफिक सीधे 78 पर ही रहेगा। तो सिर्फ आपको पॉलो ऑटो कहता है कि बाई डायरेक्शनल पे चेकबॉक्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लिक ऑन कमिट और ये मैंने कमिट करने की कोशिश की। सर यहाँ पे जो हम बाई डायरेक्शनल पे अलाउ करते हैं तो हाँ। फिर हमें डेस्टिनेशन नेट की जरूरत नहीं है। कमाल है, डेस्टिनेशन नेट की जरूरत है ही नहीं, डेस्टिनेशन नेट आप सर्विस पोर्ट पे काम करते हो ना, ये तो वन टू वन मैपिंग है। हाँ यानी कि स्टैटिक पे जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यानी कि एक स्टैटिक में मैं करते तो डेस्टिनेशन नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस अगर हम वन टू वन करें। डेस्टिनेशन नेट फिर आप भूल रहे हैं, आप या तो बादाम खाइए नहीं तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग स्टडी करिए। मैंने पिछली क्लास डेस्टिनेशन नेट नहीं देखा आपने, डेस्टिनेशन नेट का मतलब मैं सिंगल आईपी एड्रेस से सर्विसेज के साथ मल्टीपल सर्वर्स को ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ओके हाँ, पिछली क्लास आपने स्टडी की थी? नहीं नहीं पिछली क्लास मैंने अटेंड नहीं किया। मेरी आपसे इल्तिजा है, मैं देख लूंगा सर। देखिए मैं कितनी अच्छी उर्दू बोलता हूँ, इल्तिजा है कि आप उससे पहले देख लीजिए, ठीक है? ओके आपको क्लियर हो जाएगा। सो नाउ ये मैं ट्रैफिक इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ आईपी की प्रॉब्लम होगी बट यहाँ पे आते चलिए देखते हैं कुछ आईपी का एरर इसने दिया है कि नहीं। रुक जाए मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, न्यू इसको /32 से हटा, हो सकता है ये आईपी किसी लैन में मेरे यहाँ पे कोई यूज कर रहा हूँ कोई एरर आ रही तो मैं /24 ही यूज कर रही। बट ट्रांसलेशन मैप करने का तरीका क्लियर है सबको, पैट का स्टैटिक का डायनेमिक का, आई होप ये क्लियर सबको हो गया होगा। यस सर, चलिए परफेक्ट। तो अभी तक आप जितना सारा वर्क कर रहे हैं ना, ये सोर्स नेट ऑप्शन, स्टैटिक डायनेमिक पैट ये सब, इन सबको बोलते हैं सोर्स नेट। बट अब आप किस पे काम कर सकते हो, डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट का स्टोरी याद है सबको, डेस्टिनेशन नेट ये पिंग नहीं कर रहा है क्योंकि हो सकता है यहाँ का भी आईपी एड्रेस हमने चेंज किया था। रुक जाइए, बहुत अच्छे, कोई बता भी नहीं रहा मुझे 78 हमने वहां पे लिया हुआ है और ये 100 पे चल रहा है। 78 सर, आपने जो सिक्योरिटी रोल में यूजर आईपी डिफाइन किया वो चेक कर लें क्या है। थैंक यू,
अच्छा पॉलिसी भी हमने चेंज की वहां पे डिनाई कर रहा था ठीक है ठीक है ठीक है ओके इस रूल को हम टॉप पे ले लेते हैं रूल वन ही अच्छा है सारे टास्क परफॉर्म करते हैं दो मिनट पूछे नाउ एक ब्रेक लेंगे हम लोग ठीक है अतुल अश्विंदर सिर्फ 5 मिनट का ठीक है सर और फिर हम स्टार्ट करेंगे डेस्टिनेशन नेट का कॉन्सेप्ट ओके सर नहीं रुके पहले इस आउटपुट को वेरीफाई कर ले उसके बाद ब्रेक ले क्लियर है रिप्लाई अब आ रही है यस शैडो रूल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो माइक अब आप लोग अपने म्यूट कर लीजिए 5 मिनट वेट कर लीजिए सबको मेरी आवाज आ रही है यस सर आ रही माइक म्यूट कर लीजिए आपको
हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए मूव करते हैं डेस्टिनेशन नेट। तो बताएगा डेस्टिनेशन नेट क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं? अतुल, मिस्टर अतुल कुमार, जसविंदर आपको मेरी आवाज आ रही है? कृष्णकांत, उमेश, सुनीत, विवेकानंद? यस सर। यस सर। थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए, आपको डेस्टिनेशन नेट क्या होता है? विवेकानंद आप मेरी हेल्प करती है, जसविंदर रुकिए रुकिए, जसविंदर रुकिए, विवेकानंद आप मेरी हेल्प करिए। विवेकानंद जी, विवेकानंद जी की क्वालिटी जानते हैं ना, बड़े अच्छे लिसनर थे। यस सर। बताइए आप डेस्टिनेशन नेट कहाँ यूज करते हैं? सर ट्रैफिक को एक पार्टिकुलर नेट पे ट्रांसफर करने के लिए। ट्रैफिक इधर, ट्रैफिक किधर से इनिशिएट होगा? लैंड साइड से। लैंड साइड से ट्रैफिक इनिशिएट होगा, किधर से आएगा? वन साइड पे। तो हम डेस्टिनेशन नेट बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? जी सर। ठीक है, परफेक्ट। अतुल खान जी सर, फ्रॉम ईबुक एपिक लोटस, दो मिनट रुक जाइए आप। बाकी लोग बताइए। सुनीत। यस सर। ये तो वही हो गया ना कि खान क्लास में आए नहीं थे, तो बाकी लोग भी क्लास में लगे नहीं रहे थे। मुझे डेस्टिनेशन नेट समझाइए। जसविंदर। यस सर। हेल्प करिए सर। डेस्टिनेशन नेट इज इस हिसाब से बताया गया है सर, पोर्टवेज फिर से बोलिए, तेज बोलिए, आपकी आवाज स्लो आ रही है, क्या कह रहे हैं? सर डेस्टिनेशन नेट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट प्राइवेट आईपी एड्रेस इनटू द ग्लोबल आईपी एड्रेस। ठीक है, ठीक है। जसविंदर। सर डेस्टिनेशन नेट पोर्ट ऑफ अ पैकेट है सर, एक पोर्ट के हिसाब से ट्रांसलेशन की जाती है सर। पोर्ट के हिसाब से ट्रांसलेशन होगा। यस सर। बोध है सुनिए, दूध गर्म करिए। हाँ बस जसविंदर एक मिनट, दूध गर्म करिए, दो कप में लीजिए मुझे, थोड़ा चीनी डाल दीजिए। हाँ उसमें मेरे मेरे के लिए तो मसाले का डब्बा है, चाय का डब्बा है ना, मसाला वो लेके आइए। और अक्षय सर, अक्षय सर को यही भेज दीजिए, ये भेजिए इसी रूम में भेज दीजिए। हाँ जसविंदर प्लीज। नेशन नेट सर पोर्ट वेज पैकेट ट्रांसफर होंगे सर। ठीक है, कैसे करेंगे? लैन के साइड से ट्रैफिक निकलेगी, राइट? यस सर। और वैन के साइड में चली जाएगी? यस सर। परफेक्ट। अगर आप लोग मेरे सामने होते ना, उठा उठा के पटकना होता होता, समझे आप लोग? डेस्टिनेशन नेट जब ट्रैफिक वैन से इनिशिएट होती है। हाँ सर। और जो ओरिजिनल सोर्स होता है जिधर, वो के पास वापस आ। पहले आप एक काम करिए सब लोग, डेस्टिनेशन नेट की थ्योरी पहले फिर से रीड करिए, मैं आगे नहीं मूव करूंगा, ठीक है? उमेश, सुनीत, कृष्णकांत, खान को तो देखना ही है, जसविंदर, अतुल। यस सर। वीडियो मिलती है रिवाइज करने के लिए, ठीक है? आप लोग रिवाइज कर लीजिए। डीनेट क्या था, हमने लंबा चौड़ा कम से कम 15 से 20 मिनट का डिस्कशन हमने डेस्टिनेशन नेट पर किया हुआ है, याद है सबको? यस सर याद। नहीं, आई थिंक हमने डीनेट तो स्टडी किया ही नहीं है, थ्योरी नहीं किया हमने। डीनेट नहीं किया, डीनेट की थ्योरी हमने स्टडी नहीं की। सुनिए
नेट किया है तो आप लोग बोल क्यों रहे कि नहीं हुआ है। हां 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 डीनेट की थ्योरी हमने स्टडी नहीं की। खान एक मिनट रुकिएगा, अतुल हमने नहीं की ना डीनेट की थ्योरी? नहीं की सर। मैं कह रहा हूं अगर आपको सामने उतरा उठा उठा के पटकता, डीनेट की थ्योरी हो चुकी है, इसे कहते हैं आंसर निकलवाना। ये देखो आप ये क्या है, क्या है ये इन डीनेट व्हाट सुनिए, डे फोर की वीडियो देख के आ रहा सबको सर। डीनेट में होता ये है कि हमारी पब्लिक आवाज आ रही है। जी जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। मैं फंसा रहा था जाल में। यस सुनिए, कनेक्ट पब्लिक आईपी टू प्राइवेट आईपी, ठीक है। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थ्योरी देख लीजिए, ठीक है? यस सर। और नेक्स्ट क्लास में इसको स्टडी करिए। नेक्स्ट क्लास पूरे 2 घंटे की, आपकी क्लास जो होती है वो 90 मिनट्स की होती है, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट क्लास हम 2 घंटे की कर सकते हैं। एवरीवन सर। हाँ हाँ ये अपना इशू ओपन हो गया, मैं शनिवार से फिजिकल आना चाहता था सर। आइए आइए, आप मुझे देखिए सामने से। नहीं सर, घर पे हो नहीं पाता मैं सर, बहुत डिस्टर्ब होता हूं। आइए फिजिकली बैठिए, गो बैक आइए। ठीक है थैंक यू सर। सेंटर तो 4 तारीख को ओपन हो गया था, स्टूडेंट सारे फिजिकली 4 तारीख से आ रहे हैं। मैं चूंकि नहीं था, मैं गुड़गांव था। यस यू टोल्ड मी दैट यू आर इन माया, आप देखा था आपका डीपी उमेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही। उमेश आपको सर वो विशेष का दिखाना था, मुझे पूछना था आपसे सर, सो नहीं कर रहा ऑप्शन। क्या कह रहे हैं आप? विशेष मुझे वो ऑप्शन नहीं बताया खान। अच्छा, अभी मैंने विशेष में डिवाइड नहीं किया है। मैंने लेकिन 48 का वीडियो मुझे पता है, और ASA का मुझे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट पता है, पालो अल्टो का मुझे VSS नहीं पता। ओके ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। ठीक है सर, बाय सर, बाय बाय सर।